पिस्तौल कहाँ से आई, कोई बड़ा गैंग तो नहीं है। जहाँ तक ये मुस्लिम महल्ले में हुई इसलिए भी लगा देती है, वरना हिंदू महल्ले में होते तो पता भी नहीं चलता, अक्सर ऐसा भी होता है। पहले सर में एक रिक्शे में कुछ 20-22 तलवारें मिली थी। जराय मुसलमान करते हैं ज़्यादा, ये एक रुझान रहता है, ये बताया जाता है। मानव समाचार, मानवता के हक में। स्वागत है आपका मानव समाचार में। इस वक्त हम मौजूद हैं मालेगांव शहर के बहुत ही मशहूर मारूफ सीनियर एडवोकेट अजीम खान सर के पास, और हम आज आपसे जानने चाहेंगे कि मालेगांव शहर में जो फायरिंग की वारदात हुई है, तो सबसे पहले मानव समाचार में आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे ये वारदात के बारे में कुछ। जो वारदात पुलिस ने फरियाद नून की, उनका ऐसा कहना है कि ये जो चारों मुलजिमों ने इनका किसी शख्स से झगड़ा हुआ था, थोड़ी सी बातचीत होकर चले गए थे, फिर बीच में जो सुलह कराने आए सोहेल अहमद उनके मकान पे गए इन्होंने और कुछ गाली गलौज की और बाद में हवाई फायर किए हैं, इसलिए पुलिस ने चार अफराद को हिरासत में ली है। और ये बंदूक जो लाए थे कहाँ से आई, किधर से आई, इसके तफ्तीश के लिए पुलिस कस्टडी मांगी है। और इनके पास पिस्तौल कहाँ से आई, कोई बड़ा गैंग तो नहीं है, ये सब तफ्तीश है। क्योंकि दो तीन रोज़ पहले, 4 दिन की कस्टडी थी और 2-3 रोज़ पहले सर में एक रिक्शे में कुछ 20-22 तलवारें मिली थी, इसलिए पुलिस मुतहरिक हो गई कि कभी तलवारें मिलती हैं, कभी पिस्तौल मिल रही है, मामूली बातों पे फायरिंग हो रही है, 2-4 वाक़ियात हो गए। तो अदालत ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। 1-2 लोग बिला वजह सिर्फ वहाँ करीब थे इसलिए उनका नाम आ गया है, पुलिस शक के दायरे में उन लोग, लेकिन चूँकि ये लोग मिले वहाँ जगह पे इसलिए चारों आदमी को हिरासत में लिया है। और पिस्तौल कहाँ से लाया, किसने सप्लाई किया, क्या वजह थी, जाके फायरिंग क्यों की है, कोई दूसरा मसला तो नहीं है, गैंग वार तो नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें की तफ्तीश करनी है। तो इन्हें अदालत ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी दी है उन्हें। इस तरह के मामला शहर में बढ़ते जा रहे हैं, तो आप शहर की आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये कि गलत हरकतें हैं, आपस में लड़ी झगड़ा भी होता है तो बैठ के सुलझा लेना चाहिए, और ऐसे मामूली बात पर तलवारें निकालना, हवाई फायर करना, ये एक गलत रुझान है, ये नहीं होना चाहिए। मालेगांव एक अमन का शहर है, मस्जिद का शहर है, तमाम लोग हिल मिल के खुशहाल रहते हैं, कुछ लड़ी झगड़े भी होते हैं, लेकिन अपने वहाँ जो पंचायत राज है, अगर कुछ मसला रहा तो बैठ के हल कर लेना चाहिए, ऐसे जिस्मानी अज़ियत नहीं पहुँचाना चाहिए, गलत चीज़ है। बाज़ औक़ात ये सिर्फ डराने के लिए भी की जाती है ऐसी हरकत, तो इसमें किस तरह की सज़ा हो सकती है ये आप बताएं? डराने के, लेकिन चूँकि पुलिस ने भी देखिए जो जिनके घर पे फायरिंग की गई किसी किस्म का मार नहीं लगा है, लेकिन तब भी पुलिस ने 307 रजिस्टर किए कि वो हवाई फायरिंग हुई, अगर लग जाता तो इसलिए आमतौर पे पुलिस 307 लगाती हैं। और जहाँ तक ये मुस्लिम महल्ले में हुई इसलिए भी लगा देती है, वरना हिंदू महल्ले में होते तो पता भी नहीं चलता, अक्सर ऐसा भी होता है, जराय मुसलमान करते हैं ज़्यादा, ये एक रुझान रहता है, ये बताया जाता है। तो ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए। अब पुलिस तो 307 रजिस्टर की, तो अब वो तो केस चलते रहेगी कि उसको मारने लगा कुछ नहीं, लेकिन केस चलकर फिर छूटेगी जी। मतलब ये संगीन जुर्म है जी। हम 307 अटेम्प्ट टू मर्डर बोलो, संगीन जुर्म, वो मारे कुछ नहीं, लगा कुछ नहीं, लेकिन दफ़ा तो लग गया आपको 307 की। तो ये ठीक है कि नहीं? दफ़ा 307 क्या है कि उसमें अटेम्प्ट भी हुआ तो लगाते आता, इसलिए पुलिस ने लगा दिया, पुलिस का इख्तियार था, न तो सिर्फ गाली गलौज किए, धमकी दिए इतना भी कर सकते थे पुलिस, मर चुके हवाई फायर हुई, अगर लग जाता तो उस हिसाब से पुलिस ने 307 लगाई है। इससे पहले भी देखिए रिजवान सर के घर पे फायरिंग हुई थी, तब भी 307 लगाया गया था, जबकि कोई ज़ख्मी नहीं हुए थे, मगर बहरहाल फायरिंग हुई, अगर लग जाती तो आदमी ज़ख्मी होता है, इसलिए 307 लगते हैं। टेक्निकली 307 जो सेक्शन है वो लगता नहीं आगे चल के, लेकिन उमूमन पुलिस लगा देती है जी, ऐसा होता है जी। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ये थे हमारे शहर के सीनियर एडवोकेट अजीम खान सर, जिन्होंने काफ़ी तफसील में हमें मालूमात दी और इस तरह की हरकत ना करें इसका भी पैगाम दिया है। तो आप देखते रहिए मानव समाचार, हम इसी तरह आवामी बेदारी वाली खबरें आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। मैं समीर, कैमरामैन अरबाज के साथ।